गुड मॉर्निंग क्लास, आरसी ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 9 टॉपिक लेके आई हैं आपके पास पे हमारे आसपास के पर्दा। लेसन नंबर फर्स्ट है, कल आपका टॉपिक जहाँ समाप्त हुआ था उससे नेक्स्ट टॉपिक है किताब की एसआई इकाई क्या है, किताब मार्क की एसआई इकाई क्या है। तो आप बताएंगे कि क्या की है कि केल्विन होती है और केल्विन में जल का क्वथनांक कितना होता है, वह 373 केल्विन। गुब्बारे वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरते हैं, कहना का यह मतलब हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन गैस कौन सी होती है जो गुब्बारे हम मुँह से फुलाते हैं, या उनमें तो कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन। और जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है कि गुब्बारे वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरते हैं, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, दाब मापने की एसआई इकाई कौन सी होती है, पास्कल। मिश्रण क्या है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का श्वेत मिलना मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट है कि गर्मियों में कुत्ते अपनी जीभ बाहर क्यों निकालते हैं, क्योंकि कुत्ते की त्वचा में रोम छिद्र नहीं होते हैं जिससे उन्हें पसीना नहीं आता है। अगर रोम छिद्र होंगे उनके तो पसीना बाहर आ जाएगा, जैसे इंसानों के शरीर में रोम छिद्र होते हैं उनका पसीना बाहर निकल जाता है, तो इसलिए उनकी त्वचा में रोम छिद्र नहीं होते जिससे उन्हें पसीना नहीं आता, इसलिए वे अपनी जीभ बाहर निकाल कर रखते हैं जिससे जीभ पर उपस्थित द्रव के वाष्पन से उन्हें शीतलता का अनुभव हो सके। नेक्स्ट है कि पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े से क्रिस्टलों को जल में मिलाने पर भी जल रंगीन क्यों हो जाता है, तो लिखेंगे क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टलों में अधिक मात्रा में अत्यंत छोटे छोटे कण होते हैं। क्रिस्टलों में छोटे छोटे कण होते हैं जो जल के अणुओं के साथ मिश्रित हो जाते हैं, मिश्रित का मतलब है कि घुल जाते हैं तथा जल रंगीन हो जाता है। नेक्स्ट है कि घरों तथा वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसों के नाम बताइए, कि ईंधन और वाहनों में और घरों में कौन से गैसें प्रयोग की जाती है, तो कौन से है, LPG ये घरों में होती है और वाहनों में CNG गैस प्रयोग होती है। नेक्स्ट है कि आर्द्रता किसे कहते हैं, वायु में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं, जल वाष्प यानी वायु में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक कल कराएंगे आपको।